दोस्तों आप में से बहुत से लोग YouTube पे आना चाहते होंगे, YouTube पे आ रहे होंगे, तो आप में से बहुत से लोग YouTube पे आना चाहते हैं और नहीं आ पाते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा ट्राइपॉड नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड यूज करने के लिए नहीं है, तो इस वजह से बहुत से लोग अपना YouTube चैनल स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि फेसकैम से अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। और आजकल मैं मैक्सिमम लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट किए हैं तो फेसकैम वीडियो ही बनाइए, जिसमें आपको काफी अच्छा आपका जो फेस वैल्यू हो वो बढ़ेगा और साथ ही रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। और YouTube का भी कहना है कि अगर आप फेसकैम से वीडियो बनाते हैं तो आपको जल्दी मोनेटाइजेशन के लिए आपका रिव्यू पे जल्दी जाएगा, और आपको मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको जल्दी अप्रूव हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि फेस का ही फेसकैम का ही वीडियो बनाइए। तो आप में से बहुत से लोग चाहते हैं YouTube पे आना, लेकिन आप इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, अच्छा माइक नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, फिर भी वो YouTube पे आए हैं, ग्रो किए हैं और काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। और एक बार अर्निंग स्टार्ट होगी तो बाद में वो अपना सेटअप अपने हिसाब से, अपना जो एक्सपेंस, अपना जो बजट है उस हिसाब से अपना सेटअप बना लिए। इसी तरह दोस्तों मैंने भी एक अभी नॉर्मल से सेटअप से स्टार्ट किया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपना वीडियो कैसे शूट करता हूँ। पूरा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपना यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज मैं यूज करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा फोन कैसा है, मेरा माइक कैसा है, क्या मैं कैमरा यूज करता हूँ, ये सब सारे चीज का डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप गारंटी मैं कह सकता हूँ कि आप अगर फेसकैम का वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं 5G एंथनी। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा यूट्यूब सेटअप, आप देख सकते हैं ये पीछे बैकग्राउंड, ये जो दीवार है इसी को मैं बैकग्राउंड के रूप में यूज करता हूँ। ये मेरे घर का दीवार है जिसमें कि पिंक कलर किया हुआ है, इसी को मैं बैकग्राउंड के रूप में यूज करता हूँ। ये मेरा बेड है, यहीं पे मैं सोता हूँ, इसी को मैं इसी पे बैठ जाता हूँ इस टाइप से। और ये मेरा ट्राइपॉड है, एक सस्ता वाला ट्राइपॉड है, 200-300 रुपए का ट्राइपॉड है। यहाँ पे मैं अपने फोन को लगा देता हूँ, फोन को यहाँ पे। और मेरा कोई भी माइक नहीं है दोस्तों, मैं कोई भी माइक यूज नहीं करता, मेरा फोन का जो डिफॉल्ट माइक है उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ। और इस साइड आप देख सकते हैं विंडो है जिससे कि काफी अच्छा लाइट आ रहा है, जिस कारण से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ तो मुझे अंधेरे का अंधेरा मेरे वीडियो में नहीं आता है और लाइट काफी अच्छा आता है। आप इसी टाइप का अगर कहीं पे वीडियो बना रहे हैं तो आप इसी टाइप का विंडो या गेट देख ले आसपास में, जहां से आपको पर्याप्त रोशनी मिले। और आपका घर का दीवार है उस पे अगर आप कलर किया हुआ है तो अच्छा है, अगर आपका दीवार पे कलर नहीं है, पेंट नहीं है, तो आप वहां पे कोई व्हाइट कलर का आप चार्ट पेपर चिपका सकते हैं, उसपे कुछ लिख सकते हैं, या फिर कोई आपके पास अच्छा ढंग का कपड़ा है, क्लॉथ है, उसको आप यूज करके बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास माइक इंपॉर्टेंट है, मैं अपने फोन के डिफॉल्ट जो माइक है उससे वीडियो बनाता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पास कोई चेयर नहीं है, कोई अच्छा कुछ भी नहीं है, इसी बेड पे मैं सोता हूँ, यहीं से मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही सिंपल से मैं बैठ जाता हूँ, इस टाइप इस डायरेक्शन में फेस करता हूँ ताकि इधर से मेरे फेस में रोशनी आए। और ये मेरा ट्राइपॉड है, इसको मैं फोन यहाँ रख देता हूँ, सिंपल से इसमें वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, ये जो नॉर्मल फोन सबके पास होता है वो फोन है, 200-300 रुपए का ये माइक, ये ट्राइपॉड है, माइक भी कुछ नहीं है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपके पास 200-300 रुपया का माइक भी नहीं है तो आप अपने फोन को स्टैंड करने के लिए कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ लकड़ी का या बुक या टेबल पे आप अपने फोन को स्टैंड करके रख सकते हैं। तो आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए हुए भी अपना फेसकैम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। और सिंपली से मैं यहाँ पे कुछ सामान नहीं रखता हूँ, एक मिरर और एक कंघा है जिससे कि मैं अगर मैं वीडियो बनाते टाइम या वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार फेस देख लेता हूँ और ये बाल को ठीक कर लेता हूँ, बाल खराब होता है तो बस सिंपली से इतना ही चीज मैं यूज करता हूँ और इससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप भी यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, फेसकैम से वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली से बना सकते हैं और आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली से आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी करता हूँ आप में से बहुत से लोग काफी मोटिवेट हुए होंगे और अपने YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो YouTube चैनल स्टार्ट कर दिए होंगे या YouTube चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली से दोस्तों आपने देखा कि कैसे मेरा क्या सेटअप है, किस पे सेटअप पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।